नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक हरियाणा, पवन कुमार राठौड़ के साथ में। आपको बताना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 5 से पारुल राव यशवंत राव ने चुनावी माहौल को लेकर के यज्ञ करके चुनाव की शुरुआत कर दी है। आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर विभिन्न गांवों से, वार्ड नंबर 5 के विभिन्न गांवों से बहुत सारे लोग यहां पर उनके समर्थन में पहुंचे हैं और इस यज्ञ की शुरुआत करने के बाद में उन्होंने अपना चुनाव का डंका बजा दिया है। समर्थन में काफ़ी सारे गांवों के लोग यहां पर पहुंचे हैं और सभी ने पूर्ण बहुमत से विजय बनाने के लिए सबने कहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत सारे लोग यहां पे पारुल राव और यशवंत राव के चुनाव को लेकर के ना इनके बीच में पहुंचे हैं। यज्ञ की शुरुआत हुई है। यज्ञ समाप्त होने के बाद में पारुल राव ने बड़ों से आशीर्वाद लिया है, उनको नमन किया है और सभी का सहयोग के लिए उन्होंने विनती की है और सभी ने बड़े ही आदर भाव से पारुल राव को आशीर्वाद दिया है। आइए सुनते हैं किन मुद्दों को लेकर के यशवंत चुनाव लड़ रहे हैं। टोटल 24 गांव हैं और 22 गांव हैं और 2 डाणियां हैं, बीड़, जाट और बूंदेबाज। सेवा तो इंसान कहीं भी कर सकता है, वो वार्ड हो चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, कहीं भी जाके जो भी होता है सामाजिक कार्य में, वहाँ तो कैंडिडेट है उसी को चुने और जो अपने हल्के की समस्याओं को समझता है और कार्य कर सकता है उसको। बावली तो है नहीं, सारी पब्लिक समझती है कि जो अभी बरसाती मेंढक निकले हैं। नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं ICTM का और पवन भाई का, दोनों का तय दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए इतना समय निकाला कि वो गांव से सुबह सुबह 8 बजे आकर के पहुँचे। तो सबसे पहले तो मैं आपके और आपके चैनल का, दोनों का तय दिल से धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, मैंने ये कार्यालय मेरे गांव कोतवालकलां में बनाया है, जो चुनाव कैंपेनिंग के बनाया है। और दूसरा कार्यालय हमारा नांगलसरोई में है, तीसरा मेन महेंद्रगढ़ में है और चौथा मेरे युवा साथी अनिल भाई साहब हैं जो दूलो ठहीर से हैं, उन्होंने कार्यालय खुद बना करके मुझे भी बताया कि आपके लिए कार्यालय वहाँ भी बनाया है, वो मेरे लिए एक सरप्राइज है। तो 4 कार्यालय का उद्घाटन आज। कौन कौन से गांव आपके जो वार्ड के अंदर आ रहे हैं? मेरे वार्ड में सबसे पहले मेरा गांव है कोतवालकलां, दूसरा गांव है कोथल खुर्द, तीसरा गांव है जासास, फिर इधर है नानीगवास, डेरोली जाट, उक्सी, गुरावड़ा, नांगल सिरोही, खतिवास, पल, पाड़, बैरास, गडानिया, खेड़की, न्यालास और उसके बाद है खातिवास, खैरोली, निम्बी, छाजियास, दूलो ठहीर, जाटवास, जांजड़ियावास और जोड़ावास। टोटल 24 गांव हैं और 22 गांव हैं और 2 डाणियां हैं, बीड़, जाट और बूंदेबाज नगर। तो चुनाव में आपके क्या कुछ खास मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दे को लेकर चुनाव होगा? चुनाव में देखो जी, अभी जो भी मुद्दे रहेंगे, अभी पहले सबसे पहले पार्षद का चुनाव है, ये चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद पार्षद बनने के बाद जो हमसे जितना भी हल्के के लिए आवाज़ उठाई जाएगी उठाएंगे, जो कार्य हमें करने होंगे वो सारे हम कोशिश करेंगे और गवर्नमेंट से भी पूरी मांग करेंगे, कोशिश करके जितनी मैक्सिमम ग्रांट ले आई जाए और जितना भी हमारे हल्के के लिए वार्ड नंबर 5 के लिए जो कार्य हमसे बन पाएंगे वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप समाज से ही रहे हैं और आपने पूरा वार्ड भी घूमा है, जिला भी घूमा है, तो वार्ड में किस प्रकार की मुख्य समस्याएं हैं, उनको किस प्रकार से निराकरण करेंगे? देखो कौशिक साहब, सबसे पहले तो मैंने, जब ये समाज सेवा की बात आती है तो इसमें कोई वार्ड नहीं होता, समाज सेवा तो इंसान कहीं भी कर सकता है, वो वार्ड हो चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, कहीं भी जाके जो भी होता है सामाजिक कार्य में, वहाँ तो हम भाग लेते हैं। और अभी जो समस्याएं हैं, मेन समस्याएं हमारे गाँव में सबसे मैंने देखी है कि रोडें बनी हुई हैं लेकिन किसी के घर के बाहर व्हीकल खड़ा है, किसी के घर के बाहर पानी खड़ा है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सबसे पहले तो गाँव की जो भी सड़कें हैं और लाइटें हैं, सड़क बिल्कुल क्लियर करवाई जाएँ और लाइटों की व्यवस्था की जाए और जो भी हमसे अगर बन पाया तो हर गांव में चौक पे एक CCTV कैमरे की व्यवस्था करवाई जाए। काफी समय से चुनाव की प्रतीक्षा की जा रही थी, आज आपके चुनावी कार्यालय का उद्घाटन आपने किया है, तो आपके वार्ड में जो भी गांव आते हैं उन्हें तो वोटर से उनके लिए आपकी बीइंग एक कैंडिडेट का जो अपील है या फिर क्या मैसेज जो मतदाताओं के लिए है वो आपका रहेगा? देखो सबसे पहले तो मैं जितने भी मेरे मतदाता हैं, जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जितने भी जो भी गाँव से आए हैं और शहर से, रमेश सैनी चेयरमैन साहब आए, इनका मैं तय दिल से धन्यवाद करूंगा कि ये अपना कीमती समय निकाल करके मेरे पास आए हैं।
तो और मैं जब भी ये कभी भी कहीं भी मुझे बुलाएंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनके एक बुलाव पे मैं वहाँ हाजिर होने का कार्य करूंगा। तो जिस तरह से देखा जाए क्षेत्र के अंदर कुछ कमियां हैं, उसमें से मुख्य कमियां हैं शिक्षा, पर्यावरण की दिन प्रतिदिन गिरावट होना, पानी का दिन प्रतिदिन गिरना, निचले स्तर पर जाना, क्या इन समस्याओं को लेकर के आप सरकार के पास पहुँचेंगे? मैं ज़रूर पहुँचूंगा। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे जैसे पानी की आपने बताई, पानी की समस्या है, पानी की समस्या कुछ व्यक्तिगत हमारी वजह से भी है कि हम पानी को स्टोरेज नहीं करते। बोर जैसे पानी की एक बाल्टी की जरूरत है तो वहाँ चार यूज करते हैं और पानी वेस्टेज हो रहा है और दिन प्रतिदिन जल स्तर घटता जा रहा है। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि वाटर होस्टिंग का कार्य करवाने का मैं सरकार से मिलकर और इस कार्य को करवाने की कोशिश करूँगा। सर, जिस तरह से देखा जाए कि वार्ड नंबर 5 से बहुत सारे और भी प्रत्याशी हैं जो फाइट कर रहे हैं, लेकिन जनता को सही चुनना है, क्योंकि जनता काफी परेशान हो चुकी है पिछले चुनाव को देखते हुए, पिछले प्रत्याशियों को देखते हुए, उम्मीदवारों को देखते हुए। आप ही तो चुनाव के अंदर क्यों विजेता करें, या मतलब ऐसा क्या है कि आपको ही वोट दें? देखो, मैं तो ये तो जनता को कहूँगा कि जो भी राइट कैंडिडेट है उसी को चुने, और जो अपने हलके की समस्याओं को समझता है और कार्य कर सकता है उसको चुने, क्योंकि ये जितने भी कैंडिडेट अब खड़े हो रहे हैं, ये पिछले 2.5 साल से जब कोविड का टाइम चला मार्च 2020 से, तो एक भी बंदा व्यक्ति यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा था। सब आप अपने कार्य में लग रहे थे, अपने घर में छुप के बैठे थे। आज सारे प्रत्याशी बाहर निकले हैं, तो जनता समझती है। आज कोई जनता पहले तरह बावली तो है नहीं, सारी पब्लिक समझती है कि जो अभी बरसाती मेंढक निकले हैं तो उनको तो मेरे को लगता नहीं कि जनता विजय बनाने की कोशिश करेगी। और मुझे तो सारे कह रहे हैं कि भाई हम आपको तन मन धन से साथ हैं, तो मैं इनका दोबारा से फिर धन्यवाद करूंगा कि जनता मेरी इतनी साथ है, और जो भी मेरे वोटर सपोर्टर हैं उनका भी मैं तय दिल से धन्यवाद करूंगा। और आपकी एक सवाल है, दीपावली जनता है और ऊपर से आपके यहाँ पे वोटिंग की है, तो जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि दीपावली का जो पर्व है, ये हमारा हरियाणा का सबसे बड़ा पर्व है, और इस पे पटाखे कम से कम बच्चे चलाएं, और जो भी बच्चे चलाएं वो सावधानीजनक चलाएं, क्योंकि कई बार पटाखों से ना काफ़ी बड़ा मेजर नुकसान हो जाता है। किसी बच्चे का हाथ जल जाता है, किसी का पैर जल जाता है, किसी का मकान जल जाता है। लेकिन मकान तो अब हमें लगता नहीं कि हमारे क्षेत्र में कहीं कच्चे मकान हैं, लेकिन फिर भी मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे जो भी है वो सावधानीपूर्वक दीपावली मनाएँ। और आपने दूसरा सवाल, वोटरों को क्या कहना चाहेंगे? वोटरों को भी यही कहना चाहूँगा कि दीपावली को धूमधाम से मनाएं और हमारे साथ जो सहयोग दे पाएं वो देते रहें, यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।